वो ये है कि यू कैन ओनली ओनली मूव स्मॉलर स्लैब ऑन द बिगर स्लैब सो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखें फॉर एक्ल ये उठा के यहां रखता हूं तो ये यहां रखी जाएगी क्योंकि एम टी है लेकिन ये अगर मैं यहां रखने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं रखी जाएगी सो वट वट कैन आई डू इज आई कैन मूव दिस थिंग हेयर ठीक है और फिर मैं क्या कर सकता हूँ ये यह यहां रख सकता हूँ फिर ये यह यहां रख सकता हूँ ठीक है और फिर मैं ये यहां रख सकता हूं एंड देन आई कैन मूव दिस थिंग एंड देन आई कैन मूव दिस थिंग हेयर एंड आई कैन मूव दिस दिस थिंग थिंग एंड आई कैन मूव दिन सो गेम ओवर ठीक है कितनी मूवमेंट्स लगी हैं नाइन मूवमेंट्स लगी हैं ठीक है एवरीबडी अंडरस्टैंड सो नाउ लेट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ स्लैब्स टू फोर सो प्लान ये है कि अगर मैं ये स्लैब छोटी यहां रखूँ इसके ऊपर बड़ी रखने की कोशिश करूंगा तो ये वापस चली जाएगी ठीक है सो दैट्स द रूल सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं यहाँ रखूँगा ये मैं यहाँ रखूँगा फिर ये मैं यहाँ रखूँगा फिर मैं ये यहाँ रखूँगा सॉरी नहीं ये यहाँ रखूँगा ये यहाँ रखूँगा ये यहाँ रखूँगा और ये यहाँ रखूँगा फिर मैं ये यहाँ रख सकता हूँ ये नहीं ये यहाँ रख सकता हूँ ये यहाँ रख सकता हूँ और ये यहाँ रख सकता हूँ ये यहां रख सकता हूँ छोटी यहां रख सकता हूँ ये यहां रख सकता हूँ और ये यहां रख सकता हूं ठीक है मेक सेंस सो द थिंग इज आई टू राइट रिकर्सिव प्रोग्राम विच जो आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ वो ये कि रिकर्जन आपको जो हेल्प करती है वो क्या हेल्प है रिकर्जन ये कहती है कि प्लीज सो लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग Recurian ये कहती है कि यू हैव अ सर्टन प्रॉब्लम सो लेट मी लेट मी टॉक अबाउट लेट मी कॉल रिकर्सिव फंक्शन सो इसकी कोई भी रिटर्न टाइप है रिटर्न रेट टाइप ठीक है और ये एक रिकर्सिव फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन ठीक है और ये कोई पैरामीटर लिस्ट है जिसमें आ रहा है ठीक है

कि इमेजिन सो हेयर आई से इज इमेजिन दैट दैट देर इज ए देर इज ए सॉल्वर देर इज ए देर इज ए हेल्पर लेट मी कॉल दिस दैट इज बाबा जी या ये कौन माउस यूज कर रहा है कंट्रोल से मैं यार ये प्लीज ये कौन मेरे माउस को मूव कर रहा है एक उमर इकबाल साहब आप खामोश हो जाए रुक जाए रुक जाएं, रुक जाएं। उमर इकबाल कंट्रोल अच्छा ये मैंने क्या किया मैंने बेसिकली देर इज ए हेल्पर दैट इज बाबा जी को मैं कह देता हूँ हु हैज प्रोवाइडेड यू द सोल्यूशन हु हैज प्रोवाइडेड यू द सोल्यूशन द सल्यूशन फॉर

सो so बेसिकली मुझे रिकर्सिव फंक्शन एन माइनस वन भी मिला हुआ है रिकर्सिव फंक्शन एन माइनस टू भी मिला हुआ है रिकर्सिव फंक्शन एन माइनस थ्री भी मिला हुआ है डोंट वरी अबाउट कि ये कैसे सॉल्व होंगे व्हाट यू केयर अबाउट इज कि बेसिकली मैंने ये कंप्यूट करना है और मैं इसके थ्रू हेल्प लेके ये कैसे डिजाइन कर सकता हूं दैट्स दी टेंट एबस्ट्रेक्शन टू अंडरस्टैंड मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं फॉर so, एग्जाम्पल अगर मैं आपको याद कराऊ तो जैसे हमने बेसिकली इसी को एग्जाम्पल बनाया था हमने एन फैक्टोरियल लिखा था राइट राइट जब फैक्टोरियल ऑफ एन कंप्यूट करने के लिए हम गए थे तो हमने एज्यूम किया था कि हमें कोई बाबा जी हैं जो कि फैक्टोर फैक्टोरियल का फैक्टोरियल एन माइनस वन का आंसर ला देते हैं एन माइनस वन का आंसर ला देते हैं सो हाउ विल यू कंप्यूट फैक्टोरियल ऑफ एन रिटर्न एन मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन डज इट मेक सेंस और बस अब एक कंडीशन बाकी रह जाती है वो ये कि ये था इसे कहते हैं कंकरिंग स्टेप ये क्या है ये जो रिकर्सिव कॉल है दैट इज कॉल्ड डिवाइडिंग स्टेप डिवाइडिंग स्टेप क्यों क्योंकि पहले आपने एनथ प्रॉब्लम सॉल्व करना था

Uh, 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 क्योंकि ग्रीक्स यूरोप के अंदर खासतौर पे क्योंकि यूरोप ने बेसिकली इसके लिए uh, हम uh, ग्रीक्स जो मैथोलॉजी थी उसमें इधर उधर गॉड कॉल्ड रैकल जो के बेसिकली uh, लोगों के आंसर देता था ठीक है ना uh, जिसके लिए बड़ा मशहूर वाक्य है कि सुकरात वहाँ जाता है और सुकरात जाके पूछता है कि हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन तो उसका रिप्लाई लाया है सोकर ठीक है बड़ी मशहूर ये कहानी है ठीक है, so, uh, आपको टेक्स्ट बुक में ज्यादातर जो चीज जो चीज मिलेगी वो ये मिलेगी कि कि है इट्स कॉल्ड ओरेकल, ठीक सो टेक दिस थिंग एज एन एब्स्ट्रैक्शन एंड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस सो यूजिंग हेल्प ऑफ रिकर्जन ट्राई टू कंस्ट्रक्ट सॉल्यूशन फॉर एन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग Solution बड़े वाले बात समझ और हो सकता कंकरिंग लाजमी नहीं है कि ये जो ये ओवरऑल प्रॉब्लम है वो आई I मीन mean, ऐसे भी हो सकता है

ठीक है फर्स्ट आई विल डू स्टूपिड टॉवर ऑफ नोट प्रॉब्लम इसको बेसिकली क्या पास होता है इसका नाम पास होता है टॉवर वन स्ट्रिंग टॉवर टू स्ट्रिंग टॉवर थ्री आप इसका नाम टॉवर वन टॉवर टू के बजाय मैं रखता हूं टॉवर डेस्टिनेशन सॉरी टॉवर सोर्स और एक मैं कर देता हूं टॉवर हेल्पर uh, और एक का नाम रख देता हूं टॉवर डेस्टिनेशन ठीक है ये बात सुनागी और अगर आपको ये मसला लग रहा है तो बेसिकली आप अंडरस्कोर लगा दे साथ अच्छा, सवाल क्या है और बेसिकली इसको एक पैरामीटर और पास होता है इंटीजर स्टैंड फॉर कितनी स्लैब्स हैं जिसके लिए आप सॉल्व बनाना चाह रहे हैं ये बात सुनागी सो अब मैं इसका रिकर्सिव सोलूशन तो लिखूंगा बट लेट्स मी गिव यू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया सो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज द फॉलोइंग लुक एट दिस इमेजिन के मैंने ये छे आठ डिस्क के लिए सॉल्व करना था किसके लिए सॉल्व करना था आठ आठ डिस्क के लिए सॉल्व करना था अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि लेट्स से नो ओरेकल अवेलेबल टू यू जो क्या करता है जो सात डिस्क का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है क्या कर देता है

ये तुम्हें सॉल्व करके दे देते हैं कौन सा प्रॉब्लम ये सॉल्व करके देते हैं कि अगर ये आठ डिस्क है ना तो सेवन डिस्को का प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देंगे क्या कर देंगे यानी का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे ठीक है सेवन डिस्को का प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देंगे ठीक है तो सेवन डिस्कों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट यू विल गोइंग टू कॉल बाबा जी आंसर प्लीज सॉल्व दिस फॉर मी ठीक है एंड प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड दिस इज दोर्स इस वक्त जो है यह टॉवर सोर्स है यह टॉवर हेल्पर है टॉवर हेल्पर है और यह टॉवर जो है वो डेस्टिनेशन है ठीक हो गया ठीक है

ले जाए हेल्पर पे ले जाए ये बात आ गई या बल्कि एक काम करते हैं इसको हम डेस्टिनेशन पे ले जाते हैं ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया बेटा कैसे सॉल्व हो गया बाबा जी मैं बाबा जी बादा को कॉल करूं बादा मैं बाबा जी को कहूंगा प्लीज ऐसा करें कि ये पहली जो एन माइनस वन डिस्ट है ना ये तो उठा के डेस्टिनेशन पे रखे ना ठीक है ये प्रॉब्लम को मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है ये कौन सॉल्व कर देगा बाबा जी बाबा जी सॉल्व कर देंगे सो दिस इज नो नीड टू वरी अबाउट इट यू विल से मूव एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ठीक है यूजिंग दिस हेल्पर ठीक है सो लुक एट दिस आई विल गोइंग टू राइट दिस थिंग आई एम अबाउट टू राइट दिस थिंग दिस आइडिया आई विल से मैं कह रहा हूं बिकॉज आई विल गोइंग टू मेक इट बेटर देन फ्रॉम टावर ऑफ सोर्स टू ठीक है यूज टावर ऑफ हेल्पर एज एन इंटरमीडिएट टू वेयर टावर ऑफ डेस्टिनेशन ठीक है Does it make sense? सफ्राज, सफ्राज ऐसा नहीं होता था कि स्मॉलेस्ट को छोड़ के वो बाकी टावर छोड़, 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 छोड़ होता छोड़ था होता, होता, वो छोड़ दे तू बहुत सारे तरीके हैं मैं तो एक जनरल आइडिया बता रहा हूं मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता ये रिकर्जन सॉल्व कर देगी या नहीं कर देगी कर देगी कर देगी, देगी? चले आगे आ जाए अब मैं क्या करूं अब मेरे पास ये वाली डिस्क रह गई है आई कैन डू द फॉलोविंग इस डिस्क को उठाऊं इसको उठा के यहां से यहां रख दू यू अग्री ठीक है ग्री कोई इशू तो नहीं है नहीं नहीं ये मूवमेंट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सो आई विल व्हाट आई विल डू इज मैं मैं एनएक्स दिस no. उठाऊंगा और कहूंगा उसको इसको कहां से कहां पर रख दे मैंने कहां से उठाई है ये वाली so, ये वाली so, कहां पे, से उठाई है सो so, से हेल्पर पे रखी है ये देखिए जी सो व्हाट आई विल डू इज कि यहां पे मैं लिखूंगा सी आउट मूव

फ्रॉम कहां से सोर्स बाश टी एंड स्कोर सोर्स से उठाओ टू वेयर हेल्पर टू एंड स्कोर हेल्पर सरफराज आपको नहीं लग रहा आप ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं कम नहीं हो सकता बिल्कुल 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 आई नो आई नो आई नो बट लेटमी डू इट फॉर यू लेट it okay अच्छा जी इधर आ जाए अब मैं क्या करता हूं काम हो गया बट ना वट आई कैन डू इज आई कैन रिपीट दिस प्रोसेस वाई आई कैन रिपीट दिस प्रोसेस आई कैन अगेन से मूव दीज डिस्क फ्रॉम हियर टू हियर वाई आई कैन से दिस एंड मैं ये ये किसको कहूंगा ये करने को ये कितनी डिस्क मैंने मूव की है पहले मुझे बताए ये भी so बाबा, मैं है ना। ये भी बाबा जी ये भी बाबा जी सॉल्व करेंगे ये भी बाबा जी सॉल्व करेंगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है डू यू अग्री विल से आई विल से नाउ अगेन कॉल दिस दिस फंक्शन मूव एंड माइनस वन डिस्क फ्रॉम वेयर टू वेयर डेस्टिनेशन टू सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन यूज हेल्पर एज ए हेल्पर टू सोर्स अग्री हां जी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ या नहीं हुआ अब तक नहीं हुआ अब मैं क्या करूं अब को डेस्टिनेशन में मूव करना वाली को जहां से उठाना है और यहां से यहां पर रखना है डू यू ऑल अग्री विद जी तो आई विल से मूव मूव डिस्क नंबर कौन सी फ्रॉम कहा से ले उठाई मैंने मैंने यहां से उठाई सो टी हेल्पर टू कहां पे रखनी है मैंने डेस्टिनेशन डू एग्री और अब दोबारा से मैं ये उठाऊंगा और ये कहां पर रखूंगा यहां पर रखूंगा एन आई नीड नॉट टू वरी अबाउट कि ये कौन करेगा बाय बिकॉज ये अगेन एन माइनस वन की कॉल है ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है हमारे बाबा जी बाजी ने आई विल से अगेन मूव कॉल टॉवर ऑफ अ नॉय स्टूपिड और यहां करेंगे एन माइनस वन मूव और यहां मैंने उठाया है टी एंडर स्कोर सोर्स से और यहां टी हेल्पर को एज ए मिडिल टर्म में यूज किया है और यहां पे मूव कर दिया सोर्स के ऊपर एंड आई एम डन ठीक है द ओनली थिंग रिमेनिंग इज कि इफ एन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या कर दे रिटर्न कर दे ये बात समझ समझा गई यानी अगर एन की वैल्यू जीरो हो गई इसका मतलब कोई डिस्क बाकी रह ही नहीं गई तो हमें okay. वैसे ही रिटर्न okay. कर जाना चाहिए क्योंकि हमें बेस के सॉरी तो आपने लास्ट लाइन लिखी है टी सोर्स से, टी से यहाँ पे क्या होना चाहिए डेस्टिनेशन होना चाहिए शाबाश एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सो मैंने क्या किया है मैंने ये जो कॉल किया है ये रिकर्जन की कॉल दे आर कॉल टू बाबा जी ठीक है कॉल टू माई रिकर्जन इज अ डिवीजन कॉल विच आई शुड नॉट बी वरी अबाउट एज एन एब्रेक्शन पावर जो है वो मेरी रिक्वेजन सॉल्व करके ले आएगी आई शुड नॉट वरी अबाउट इट ओके लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड लेट्स सी हाउ इट लेट्स्यूट सो मैं नंबर ऑफ डिस को कम कर रहा हूं एंड लेट्स let जो कोड है ठीक चलता है नहीं चलता ठीक है सो आई विल से टॉवर ऑफ अड और यह मेरा मेन फंक्शन है रिटर्न zero और मैं क्या करता हूं टॉवर ऑफ hanoi स्टूपिड इसमें मैं n की वैल्यू थ्री पास करता हूं और सोर्स में भेज देता हूं a इधर भेज देता हूं मैं b और इधर भेज देता हूं मैं c ठीक है तो वट इज माई हेल्पर ये क्या हुआ है के के है नहीं। नहीं ही so so so, देखते हैं जी ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कैसे चलता जैसे ही जो जो आउटपुट करेगा ना हम उसको उसी तरह चलाएंगे ठीक है सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड लेट सी सॉल्व द प्रॉब्लम अराउट जी ये देख ले गौर से मेरी बात सुन लें ये स्टेप्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं चलो जी चलाते हैं ये तो ये तो मच गई है आ, थोड़ा सा कम लगा लेते कम इन सेंस के नंबर ऑफ कर देते ठीक है ये कितनी मूव्स हुई है इसकी ओके okay जी लेट्स स्टार्ट चलें जी ये क्या कहता है चले जी लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और जैसे जैसे ये कहता जा रहा है हम करते जाते हैं ठीक है ओके जी आ, ये हमारा डिस्क है ये कहता है डिस्क नंबर वन को मूव करो फ्रॉम ए टू बी तो हम करेंगे ए से कहां पर बी पे मूव करेंगे ठीक है फिर, फिर क्या कहता है आप कर रहे हैं और आपने दो का

ड्रॉइंग पार्ट में बहुत ज्यादा हो जाएगा टाइम लग जाएगा तो इमेजिन करें ये तीन डिस्क का नहीं है ये दो डिस्क है ठीक है ठीक है सही है ठीक है तो वो कहता है कि डिस्क नंबर 1 को मूव करो फ्रॉम ए टू बी सो ए से बी पे मूव करते हैं। फिर कहता है मूव करो वन किसको वन को मूव करो बी से सी में वन को मूव करो बी से सी में यू कैन सी द स्टूपिडिटी

फिर वो कहता है कि को मूव करो बी से सी की तरफ यह देखे दी। ये बी से सी की तरफ मूव कर दिया फिर वो कहता है वन को मूव करो ए से बी की तरफ ए से बी की तरफ और फिर वो कहता है मूव करो वन से लेकर सी की तरफ बिल्कुल डायरेक्टली कर सकता था और देखे इसने टू के लिए कितना जान जोखों वाला काम किया डू यू अग्री कितना ज्यादा इसने टाइम जाया किया डू यू ऑल अग्री कि ये कर ठीक रहा है ज्यादा एफिशिएंटली हो सकता था लेकिन इसने जो सोल्यूशन निकाला वो बिल्कुल ठीक है एवरीबडी इज विद सर। ओके जी लेट्स लेट मी ओपन दिस एंड माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ये जो मैंने प्रॉब्लम किया है सॉल्व ये तीन रिकर्सिव कॉल किए आई अर्ज यू टू थिंक अबाउट इट कि ये दो कॉल से हो सकता है थिंक अबाउट इट ये दो कॉल से हो सकता है प्लीज थिंक अबाउट इट कैसे एंड लेट मी ओपन पिक्चर अगेन और यहां पर मैं दोबारा से यही लिखता हूं पहले मैंने एन माइनस वन मूव की थी कहां से कहां पर सोर्स से कहा मूव की थी डेस्टिनेशन जो डेस्टिनेशन पे मूव करने के उसे डायरेक्ट पहले हेल्पर पे हेल्पर पे ले शाबाश। व्हाट आई डू इज़ के दोबारा से मैं उठाता हूं uh, क्या कहते हैं स्नेपर उठाता हूं इसको मैं कॉपी करता हूं और लेट मी ओपन द पेंट विद पेंट। दिस पेंट पेंट ये ना एंड लुक एट दिस व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज़ द फॉलोइंग मैं पहले कहता हूं कि ये एन माइनस वन उठाओ और एन माइनस वन को उठाकर पता कहां रखो एन माइनस वन उठाओ और एन माइनस वन को सोर्स से गां रख दो पर पे। पर पे। और आप पता क्या करो आप ये एन माइनस वन तो उठाओ और ये उठा के रख दो यहां पे। एंड नाउ एम डन कैसे एक मूवमेंट रह गई और बाकी खत्म हो गया ये कितना हो जाएगा मैं कहूंगा यहां से उठाओ और यहां से उठा के यहां रख दो कितनी दफा रिकर्सिव कॉल हुई दो दफा दो दफा तो लुक एट दिस व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज सो हियर इज व्हाट आई विल गोइंग टू डू आई विल से अगेन नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू से इज कि प्लीज फर्स्ट आई विल गोइंग टू कॉल माय बाबा जी एंड आई विल से मूव एन माइनस दिस फ्रॉम टॉवर ऑफ सोर्स टू हेल्पर ओ टावर ऑफ हेल्पर नहीं अब बेसिकली डेस्टिनेशन को यूज करो एज अ हेल्पर और मूव करो किसमें सोर्स में सॉरी हेल्पर में हेल्पर में helper. ये बात समझ आई बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज मैंने कहा है कि टावर ऑफ हनोई में पहली माइनस 1 डिस्क मूव करो लेकिन सोर्स से डेस्टिनेशन पे ना करो बल्कि सोर्स से हेल्पर पे करो सो व्हाट इज दिस सेइंग move n minus 1 disc one disc from source to helper tower okay so t source to t helper do you agree uh, by using by using t डेस्टिनेशन एज वे ठीक है और अब हम क्या करते हैं जब हमारी एन माइनस वन मूव हो गई है तो बेसिकली अब मैं यहां से ये वाली उठाऊंगा जो एन एथ एन एथ है और वो उठाकर यहां से यहां मूव करूंगा सो आई विल से मेरा काम है सी so आउट जी बताए बेटा एन फ्रॉम टी सोर्स टू क्या होना चाहिए यहां पे डेस्टिनेशन ठीक है एंड नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू से अगेन मूव टी हेल्पर बट यहां से एन माइनस वन डिस्क उठाओ लेकिन आपका हेल्पर से उठा लिया हां जी हेल्पर से उठानी है, है। किधर मूव करनी है और किसको हेल्पर यूज करना है

माई नंबर ऑफ कॉल्स रिड्यूस टू हाउ मैनी लुक एट दिस पहले पे आठ आई थी और अब देखें आप कितनी आ रही है शाबाश तो बेस केस हमें क्या लगाना पड़ेगा कि एफ एन एज लेस देन और इक्वल टू जीरो तो क्या कर दे रिटर्न कर दे ठीक है यह देखें सिर्फ थ्री मूव एंड लेट्स डू दो Uh, यहां पर आगे नंबर ऑफ डिस्क मेरी कितनी है सिर्फ और सिर्फ बल्कि तीन के लिए करते हैं आप ठीक है सो लेट्स लेट मी मेरा आंसर आएगा अच्छा बैदा एक छोटा सा मैं काम करता हूं यहां पे ना मैंने एक इंट इंट काउंट डिक्लेयर किया हुआ ग्लोबल ठीक है और जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं यहां पे क्या यह करता हूं आउटपुट करने से जस्ट पहले ना काउंट भी डिस्प्ले कर देता हूं ठीक है काउंट और यहां प्लस प्लस कर देता हूं और यहां पे डॉट कर देता हूं ताकि ये यहां पर ना नजर आ अंदर है ठीक है यानी कि हमें जो पता लग जाए कितने स्टेप लगे ठीक है सो लुक एट दिस अगर मेरे पास 3 डिस्क हो तो कितने स्टेप लगते हैं कितने स्टेप लगे हैं 7 लगे हैं एक और देखो अगर मैं टू करूं तो कितने स्टेप लगते हैं थ्री सरप्राइजिंगली अगर फोर रहो तो कितने लगेंगे गैस कर सकते हैं आप वन पे वन लगेगा टू पे थ्री लगेगा थ्री पे सेवन लगेगा प्लस वन प्लस वन माइनस वन अलेवन नॉट इलेवन फिफ्टीन

ऑफ वन क्यों क्योंकि बेसिकली से ये एक इंस्ट्रक्चर है जो चलती है ये इफ भी है जो चलती है लेकिन मैं इसको ओ ऑफ वन कह सकता हूं ठीक है ना वन प्लस वन इज ओ ऑफ वन अब क्या होगा ये कॉल करेगा दो दो कॉल करेगा ना तो लेट मी ड्रॉ द पिक्चर ये देखो जी ये मैं ड्रॉ करता हूं पिक्चर 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 ये पिक्चर है ये मैंने न्यू किया और ये देखे जी बेसिकली क्या होगा ये बेसिकली टी एन है इसने कॉल की दो तो ये बेसिकली दो कॉल्स करेगा ये करेगा दो और कॉल और ये करेगा दो और कॉल डू यू ऑल अग्री और ये करेगा दो और कॉल और ये करेगा दो और कॉल्स अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कॉल्स काउंट करूं तो वो कितनी बनेगी डेस्ट जी यहां पर है वन प्लस टू प्लस हां जी कैन यू सी दैटर्न अगर मैं फॉन्ट बड़ा कर दू तो जी ज्योमेट्रिक एक्जैक्टली सी? exactly, ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट नेक्स्ट पे कितना होगा कैन यू गैस सिक्सटीन सिक्सटीन नेक्स्ट प्लस सिक्सटीन ये है अगर हमारे पास कितनी डिस्क हो पांच हो एंड कैन यू टेल मी वन प्लस टू कितना थ्री वन प्लस टू प्लस फोर कितना होता है सेवन सेवन वन प्लस टू कितना होता है फिफ्टीन फिफ्टीन वन प्लस टू कितना होता है थर्टी वन कैन यू टेल मी की अगर मेरे पास एन डिस तो इट द लास्ट वन विल बी टू टू द पावर एन एंड यू नो दिस समेशन इज लेस देन और इक्वल टू एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल टू जो लास्ट टर्म होती है उसके ट्वाइस से एक कम होता है सो टू रेस्ट टू पावर एन का ट्वाइस यानी टू माइनस वन बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली बन रहा है इसको मैं सकता हूं टू की पावर वन माइनस वन टू की पावर वन माइनस वन सो बेसिकली अगर मैं सॉरी ये अगर so मैं निकालू तो बेसिकली बनता है टू इन सब का सम करें तो बन जाएगा इसके ट्वाइस इसका टूर्स एन हो जाएगा उससे एक कम टू की पावर एन नहीं आएगी एन की पावर टू नहीं आएगी टू की पावर एना आएगी ना टू की पावर एना आएगी टू वन टू रेस्पार टू टू रेस्प थ्री जी टू यू ऑल अग्री यार ये समझ में आता है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है सर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर ओ एन होगी ना ये नहीं ओ ऑफ टू रेस्ट पावर एन होगी सर ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ज्योमेट्रिक तो, सीरीज के हमने ओए भाई ज्योमेट्रिक सीरीज है लेकिन आखिरी टर्म क्या है टू रेस्ट पावर एन टू रेस्ट पावर एन अगर ये आखिरी टर्म एन होती तो फिर तुम्हारी बात ठीक थी लेकिन आखिरी टर्म एन नहीं है आखिरी टर्म टू रेस्ट पावर एन है ठीक सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है एक्सपोनेंशियल है So, अगर आप इसको कोड को देखें तो बेसिकली ये एन माइनस वन लेवल नीचे जाएगा और अगर मैं इसकी सीरीज बनाऊं तो वो सीरीज बनेगी <coughs> आगे आएगा प्लस टू क्यों क्योंकि दो लैक लेवल्स होंगे और फिर आएगा प्लस फोर जिसको मैं टू रेस्ट तो पावर टू कह सकता हूं इसको मैं टू रेस्ट तो पावर वन कह सकता हूं और फिर आ जाएगा टू रेस्ट तो पावर थ्री करते-करते हमें यह पता है कि जो आखिरी लेवल होना है वो होना है 2 रे टू पावर n 1 और इसको अगर हम सम करें तो दिस इज बेसिकली ये जो n 1 है वो ऐसे ठीक है क्योंकि तो ये बेसिकली ये पहली टर्म अगर तुम देखो ना तो 2 टू 2 टू पावर 1 1 पर 2 टू पावर 2 टू पावर आ, ये कितना बनता है 2 पावर पावर 0 टू टू जीरो बनता ठीक है।, है ना तो टू पावर जीरो टू पावर वन ऐसा चलता रहेगा सो दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज बेसिकली जो आखिरी टर्म है जो कि टू रेस्ट पावर एन माइनस वन है सो टू इन टू टू एन माइनस वन ठीक है माइनस वन ठीक है व्हिच इज हाउ मच ऑफ टू रेस्ट बेसिकली थ्री टाफ टू रेस्ट सो बेसिकली ये जो टावर ऑफ अनोय है ये एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है Does it make sense? Does it make sense? <laughs> I think you can work on on this time complexity in your free time. That should not be the problem. And I don't wanna waste time on that. Okay? I think you have a You you can work on this. Okay? So okay. I, I, wanna, I wanna move forward, please. Okay? ठीक है एक चीज बता देंटेशन है वो आपने खुद करनी है इसका एनालिसिस भी आपने खुद करना है, है? जी आप बताएं। क्या कह रहे हैं आप आखिरी टर्म जो है वो पावर किस तरह आएगी यार ये कितना है तो ये एन की वैल्यू वन जब थी तो टू रेस्ट पावर जीरो बना था ठीक है तो ये टू रेस्ट पावर वन बना था तो जब एन होगी तो नहीं चल सकता ना? का हर होता है।, हर होता है लेकिन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है और वो है कि भाई आप रिकर्सिवली प्रॉब्लम को छोटा करते जा रहे होते हैं ठीक है लेकिन डिवाइड एंड कंकर में ना एक और प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताऊंगा थोड़े दिनों बाद थोड़ी देर बाद सर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई हेल्पर फंक्शन जो रिकर्सिव हेल्पर फंक्शन यूज करवाता हूं तो फिर वो डिवाइड एंड कॉन्कर से तो नहीं हो सकता ना दोबारा बोलो क्या मतलब अगर मैं एक रिकर्सिव फंक्शन के अंदर एक हेल्पिंग रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दूं तो, तो फिर वो डिवाइड एंड कॉन्कर रूल से तो नहीं चलेगा ना क्यों नहीं चलेगा वो वो भी भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम को छोटा करता जा रहा है ना देखो आइडिया ये है कि छोटा प्रॉब्लम जो है वो छोटा हो जाए

आपके पास ना एक आपने एक फंक्शन बनाना है सो फॉर एग्जांपल सो व्हाट्स द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज़ कि आपने एक आपको एक ना स्ट्रिंग पास, पास होती है आपको ना एक रे पास होती है कैरेक्टर रे और वो लेट्स से है इसमें लिखा हुआ ए बी और लेट्स से लिखा हुआ सी ठीक है और यहाँ पे मैं इंटीजर साइज बनाता हूँ जिसकी वे रहता हूँ थ्री ठीक है मी uh, Take them to in, in your main acha योर मेन अच्छा अब हम क्या करना चाहते हैं बेसिकली मैं एक फंक्शन बुलाना चाहता हूँ उसका नाम है print all words ठीक है Of length k। और वट इज के लेट से यहाँ पे आपको फोर दिया हुआ है ठीक है तो इट बट इट डज इसके तुम्हें एक ये अरे भेजा जाती है इसका साइज भेजा जाता है और एक के भेजा जाता है ठीक है सो so हमने ये फंक्शन बनाना है सो so वर्ड ये फंक्शन है विच आई वॉन्ट टू मेक सो बेसिकली इसको कैरेक्टर अरे भेजी जाती है इसका साइज भेजा जाता है और ये एक के वेरू भेजी जाती है ठीक है ये कहता क्या ये कहता ये, कहता ये कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें ए बी सी भेजूँ या में और लेंथ के कि चार भेजूँ तो बेसिकली वो कह रहा है सारे पॉसिबल वर्ड्स मुझे बना दो जो कि चार लेंथ के हो सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल और उसमें हर लेटर जो है वो क्या हो सकता है वो इनमें से कोई लेटर हो सकता है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वो क्या बनेगा ए एक हो सकता है ए ए ए है ना फिर हो सकता है ए ए बी फिर हो सकता है ए ए हाँ जी बताएं सी फिर ए ए हाँ बस ये तीन तीन लेटर ना होती है बस फिर क्या हो जाएगा फिर मैं और भी लेटर्स बना सकता हूँ लेटर ए ए बी ए

काउंट को तो मैं उसी तरह हैंडल कर लूंगा मुझे मैं इंटरेस्टेड मुझे सारे पॉसिबल वर्ड्स डिस्प्ले कर दो ठीक है सो लुक एट दिस हाउ आई 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 विल 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 मैनेज मैनेज इट इन द फॉलोइंग फैशन से लेट मी मेक फॉर लूप तमाम लेटर्स पुट करता हूँ देखें जी मैंने जो स्ट्रिंग बनानी थी वो कितने लेंथ की बनानी थी के लेंथ की है ना एक दो तीन चार चार लेट से पांच लेंथ की बनानी थी क्या वैल्यू है। तो बेसिकली जो जिसने लेंथ की मैंने बनानी थी उसमें ये वाला पार्ट के बारे में आई डैम केयर अबाउट इट क्यों ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व कर लेगा कौन रिकर्जन बाबा तो जी करेंगे सोल्व बाबा जी करेंगे मेरा काम यह है कि इस जगह पर बारी बारी कितने करेक्टर रखना एन। एन करेक्टर रखना बात आई एवरीबडी अंडरस्टैंड बारी बारी यहां पर कितने करेक्टर रखना एन करेक्टर रखना यह बात आई अच्छा आप एक छोटा सा काम कर लेते हैं वो यह एक काम और करते हैं वो यह ना क्योंकि मुझे बार बार स्ट्रिंग बनाकर भेजनी होगी तो मैं ना एक काम करता हूं वो ये है कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है हो ये ये रहा है कि मैंने करेक्टर रखना है ना स्ट्रिंग बनानी है स्ट्रिंग कैसे बनाऊ वो स्ट्रिंग भी तो मुझे पास करनी पड़ेगी किसी को तो बेसिकली हम एक काम करते हैं कि ये जितना भी हमने काम करना है ना ये हम एक हेल्पर बनाते हैं इसका नाम है प्रिंट ऑल वर्ड, वर्ड 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 लेंथ के ठीक है इसमें मैं ए भेज देता हूं एन भेज देता हूं और के भेज देता हूं और साथ एक एक और स्ट्रिंग है जो मैं बना के भेज दूंगा तो स्ट्रिंग एस जो शुरू में एम्प्टी है और इसको मैं यहां भेज देता हूं यह मेरी डिस्प्लेइंग के लिए यूज होगी ये प्लीज ये देखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं करने लगा हूं अच्छा आ, करने क्या लगा हूं ये मैं बाद में देखता हूं ये देखें जी ये है प्रिंट ऑल वर्ड्स ये मैं फंक्शन बना रहा हूं और ये देखिए जी मैंने क्या किया ये इसको इसके पैरामीटर बिल्कुल वही है कैरेक्टर ए ये है इंटीजर एन ये है इंटीजर के और ये है स्ट्रिंग एस ठीक है नाउ लुक एट व्हाट आई विल गोइंग टू डू आई विल से इस वक्त जो स्ट्रिंग आई है वो एस है जो क्या होगी क्या होगी पहली दफा कॉल होगा ना क्या होगी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी शाबाश एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग लुक एट दिस व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू से आई विल गोइंग टू से कॉल दिस रिकर्सिव फंक्शन अगेन बट नाउ लुक एट द फॉलोइंग यही अरे यूज करो एन यूज करो लेकिन अब लेंथ जो है ना अब जो लेंथ हो गई है वो लेंथ हो गई है भला क्या के माइनस और मैं एक और काम करता हूं

कि कि ये कह रहा है कि जो भी पहले स्ट्रिंग आई है जो कि एम है उसकी जगह ये पहला करेक्टर लगाता है और पहला करेक्टर इसने कौन सा चूज किया होता है वो यहां से चूज किया होता है और अब वो दोबारा रिकसिव कॉल कर देता है इसको और कहता है अब तुम्हारी जो लेंथ है ना वो पहले कितनी थी पहले कितनी थी के, के, के. के length की बनाने की लेकिन अब क्योंकि मेरा काम था सिर्फ एक करेक्टर रखना बाकी करेक्टर कौन रखेगा बाबा जी बाबा, बाबा जी बाबा जी और मैं यहां आऊंगा और यहां मैं करूंगा सी आउट अच्छा जी यहां पर मैं बेस केस बनाता हूं अगर मेरी के की लेंथ डबल इक्वल टू जीरो हो गई है सिर्फ राजेक्टर नंबर ऑफ लेंथ है? नहीं के है लेंथ कितने लेंथ की मैंने बनानी है ये कितने बाकी रह गई है पहले के था पांच पाँश। तो पांच करेक्टर बाकी रह गए थे के जब... बराबर हाँ और जब मैं एक करेक्टर रख देता हूं तो के की वैल्यू एक काम कर देता हूं और ये लूप चलेगा एन दफा तो ये बारी बारी सारी की सारे करेक्टर बारी बारी रिप्लेस करेगा और दोबारा से कॉल कर देगा और अगर के की वैल्यू जीरो इसका मतलब है अब जो एस में स्ट्रिंग आई है वो 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 स्ट्रिंग है जिसको मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं तो मेरी पहली स्ट्रिंग बन चुकी है सी आउट कर देते हैं और यहां कर देते हैं हैंडल और एक काम कर देते हैं वो ये यह कि यहां पे वो जो काउंट था ना वो भी यहां पे डिस्प्ले करते हैं काउंट प्लस प्लस और यहां पे डिस्प्ले कर देते ठीक ये भी सी किया मैंने लुक दिस ये तो क्रैश कर गया लेट्स सी कि क्या बग है भाई चल बारो व्हाट्स द प्रॉब्लम जी ये मैंने ये किया है ये मैंने स्ट्रिंग भेजी i 0 से लेकर n तक चला अगर और यहाँ रिटर्न इसमें शाबाश जब वो बेस कंडीशन को हिट करता है तो फिर दोबारा नीचे जाने की जरूरत नहीं है तो इट शुड से रिटर्न रिटर्न सिर्फ रिटर्न 0 भी नहीं ठीक है लुक एट दिस जी आंसर क्या आना चाहिए था इसका रेक्टर है ना पॉल थ्री फोर कितनी होती है थ्री इंटू थ्री बता दो यार थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कितना होता है थ्री बार फोर यार क्या हो गया एटी वन एटी वन और एटी वन ही आंसर आया हुआ है लेट मी ट्राई अगेन फॉर टू लेंथ लेट्स लुक एट दस जी नाइन आना चाहिए और नाइन ही आ रहा है ए ए ए बी ए सी बी ए बी 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 सी सी ए सी बी सी सी मेक सेंस वी आर डन words. ठीक है बट एवरीबडी गॉट द आइडिया कि बेसिकली मैंने क्या किया सो so मैंने प्रिंटिंग करवानी थी तो बेसिकली हर हां जी बताएं जी

जी, आप पुट कैरेक्टर वन बाय वन लेकिन उधर आप के माइनस वन डील कर रहे हैं नहीं देखो पुट कैरेक्टर वन बाय वन इस लूप के सॉरी ये बेसिकली ये लाइन यहां होनी चाहिए सो so, जो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है सो व्हाट इज योर रिस्पांसिबिलिटी एज फॉर राइटिंग दिस फंक्शन पुट पुट ऑन द कैरेक्टर्स वन बाय वन बात सुनाई पुट ऑन पे पोजिशन ऑल द कैरेक्टर्स वन बाय वन और एंड एंड द रेस्ट ऑफ ऑफ द पोजिशन विल बी हैंडल्ड बाय बाय होम बाबा जी बाबा जी ठीक है सो माई पोजिशन इज द फॉलोइंग कि मुझे जो स्ट्रिंग अभी तक बनी बनाई मिल रही है वट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल पुट मैं आखिरी पोजिशन के ऊपर आखिरी पोजिशन पर रख रहा हूं ना तो ये ए आई मेरा होगा ये बात नहीं, so, नहीं। मैं S, S plus कर रहा हूं बिकॉज मैं क्या ये रहा हूं कि मैं किसी भी इंस्टेंस में मुझे कब कॉल आएगी तो मैं कह रहा हूं पहले स्ट्रिंग जितनी भी बनी हुई है उसके आखिर में मैंने रखना है

एवरीबडी अंडरस्टैंड और जब के की वैल्यू जीरो रह जाती है इसका मतलब है स्ट्रिंग बन चुकी हुई है और एंड वी आर और उस वक्त की मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देता हूं और रिटर्न हो जाता हूं जब रिटर्न होता हूं तो वो के माइनस वन पोजीशन को फिल कर चुका हुआ है के माइनस वन पोजिशन को फिल कर चुका हुआ है और अब उसकी जगह वो सेकेंड करेक्टर रिप्लेस करेगा ये समझ में आई बात और फिर दोबारा से वही काम करना शुरू करेगा रखेगा थर्ड प्लीज ड्राई रन दिस प्रोग्राम ठीक है और बाद अब ये भी ट्राई करके देखना अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दू तो क्या होगा क्या होगा वैसे तो फर्क पड़ेगा जी कैन यू सी वट्स द प्रॉब एक्जेक्टली एग्जैक्टली तो वो बेसिकली ऑर्डर में नहीं है अगर हम अगर हम इस तरह रखते तो इसमें जो मजेदार बात है वो ये कि चीजें ऑर्डर में आ रही हैं ये देख रहे हैं आप पहले वो इसकी सारी कर देता है फिर बी की आ रही आती है फिर सी की बारी आती है सो दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ठीक है और आउटपुट बिल्कुल ठीक ही है एग्जैक्टली 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 सो प्लीज ड्राई रन दिस प्रोग्राम के हाउ इट इज बींग एग्जीक्यूटेड सर फ्रांस एक चीज जी जी बताएं सर हमने दो चीजें पड़ी थी परमुटेशन विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट ये बिल्कुल right, अब हम आज से आगे चलते हैं एक अब जो मैं फंक्शन बनाना इसका नाम है परम्यूटेशन ठीक है इसको क्या पास होता है इसको कैरेक्टर अरे पास होती है ठीक है बल्कि एक काम करते हैं इसको ना स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस एस भेज देते हैं ठीक है है पास होती और ये स्ट्रिंग एस पास करेगा कर, कर, करेगा और हम ऐसे करते हैं बेसिकली अब हम क्या चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं एक ये एक स्ट्रिंग बनाता हूं बेसिकली वट आई वॉन्ट टू डू इज द फॉलोइंग सो इसको मैं दोबारा नीचे कर रहा हूं रिटर्न जीरो प्लीज लुक एट दिस मैं करना क्या चाह रहा हूं uh, प्रिंट इसका नाम है प्रिंट परम्यूटेशंस ठीक है प्रिंट परम्यूटेशंस में मैं क्या भेजना चाह रहा हूं और इसमें मैं स्ट्रिंग भेजूंगा लेट्स से मैं भेजता हूं एबीसी तो इसमें जब मैं एबीसी भेजूंगा तो इसका काम क्या है इसका काम यह है एबीसी की जितनी भी स्ट्रिंग्स बनती हैं वो डिस्प्ले कर दे यानी एबीसी एसीबी फिर क्या होगा बएसी बीसीए सी सॉरी सी बी ए और सी ए बी ठीक है तो ये डिस्प्ले होना चाहिए सी अब मैं क्या करता हूं जो भी स्ट्रिंग आई है मैं करता हूं कि मैं अपना प्रिंट परम्यूटेशन हेल्पर कॉल करता हूं ठीक है एस भेज देता हूं एंड लुक एट दिस अब मेरा रिकर्जन है ना तो रिकर्सिव में बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करूंगा जैसे मैंने ऊपर वाला डिफाइन किया था तो प्रिंट जी इसका नाम क्या है

और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आई इज लेस दैन एस डॉट लेंथ आई प्लस एंड एग्जैक्टली व्हाट हाउ आई डिड बिफोर और मैं बेटा करूंगा क्या <coughs> और मैं करूंगा कि मैं यहां पर आता हूं और यहां मैं आके कहता हूं कि मेरा काम है एस आई पोजिशन के बारे में सोचना किसके बारे में सोचना

कि यहां से लेकर यहां तक तुमने सोचना है यहां पर परम्यूटेशन तुमने सोचनी है और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ इस कैरेक्टर की है बाकी कौन सॉल्व करेगा बाकी जो रीजन है उसकी परम्यूटेशन कौन करेगा बाबा जी बाबा जी करेंगे शाबाश। एंड नाउ एट दिस आई विल से आई विल बिगिन फ्रॉम एस आई आई विल बिगिन फ्रॉम एस आई एंड आई विल से स्वैप स्वैप you know क्या मैं और, आप देखिए ये, ये लूप थ्रू करना है यहां से लेकर कहां तक एन माइनस वन तक आई विल से स्वैप एस की कौन सी एंट्री भला आईएथ एंट्री और एस की कौन सी वाली एंट्री एस आई एथ एंट्री और देखिये मैं कर कह रहा हूं ट्राई टू तो अंडरस्टैंड मैं बेसिकली बार बार कह रहा हूं पहले एस SI आई करेक्टर पे एस आई कर ही रहने दो क्योंकि आई की वैल्यू ऐसा ही होगी तो ये कुछ भी नहीं करेगा लेकिन अगली दफा जो इससे अगला कैरेक्टर बनता है यानी जो कि है मैं एस आई प्लस वन कैरेक्टर को कहता हूं उसको उठा के इससे रिप्लेस कर देता हूं फिर मैं किसको रखूंगा फिर मैं एस आई प्लस वन पे प्लस टू पे जो पड़ा हुआ है वो वाला कैरेक्टर इसके साथ रखूंगा और मैंने ये दो दफा स्वैप क्यों किया है ताकि स्वैप होने के बाद जब मैं बाबा जी चुछने? को कॉल कर दूं जब मैं बाबा जी को कॉल कर दूं कि बाकी स्ट्रिंग बना दो तो मैं अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस आ जाऊं, समझ रहे हो? तो यहां बेसिकली मैं एस भेजूंगा और यहां मैं एसआई प्लस वन भेजूंगा तो दोबारा पुल जाते स्टेटस एंड नाउ दी ओनली थिंग रिमेनिंग इज कि इफ एसआई की वैल्यू अब अगर एस SI आई की वैल्यू बराबर हो जाए S डॉट लेंथ के तो इसका मतलब स्ट्रिंग बन चुकी है। और एक मिनट मैं मैं दोबारा दोबारा बताता बताता और यहां पर बेसिकली okay. मैं काउंट प्लस प्लस रिटर्न आउटपुट कर दूंगा मैं दोबारा बताता हूं व्हाट्स द आइडिया इज द फॉलोइंग मैं ये कहता हूं कि मैं एस आई इंडेक्स पे जाता हूं मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतने पोर्शन को क्या करना परम्यूट करना इसकी तमाम अरेंजमेंट दिखाना ये सबको समझ में आ गई बस और मैं क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि यार चले ठीक है जी पहले मैं इस जगह पर यही करैक्टर रखता हूं यानी एस आई एस आई से रिप, रिप्लेस होगा यानी कुछ नहीं होगा और फिर मैं कहूंगा बाबा जी इस लेटर को तो मैंने रख दिया यानी पहला लेटर फॉर एग्जाम्पल पहला लेटर में शुरू लेट के शुरू के आई डैम केयर अबाउट के क्या थे मैं यहां पहुंचा पड़ा हुआ ए बी सी डी पड़ा हुआ है तो बेसिकली मैंने यहां पर क्या किया है? मैंने यहां कहा है, इस जगह पे पहले ए ही रखो और बाकी की जो परम्यूटेशन करनी है वो किसने करनी है बाबा जी बाबा जी ने करनी है फिर जब बाबा जी सब इसके साथ इसके इसके इस जगह के कैरेक्टर के साथ से जितनी भी परमुटेशन प्रिंट करनी थी वो वो प्रिंट कर रहा है क्या समाम, की तमाम तमाम स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गई है एक मिनट क्या तमाम की तमाम स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गई है नहीं नहीं हुई क्योंकि अभी यहां पर कौन सा कैरेक्टर आना बाकी है बाकी थी इस जगह पड़ा हुआ था जो के यहां पर बी आएगा फिर यहां क्या आएगा फिर यहां पे सी आएगा और कहो सी से आगे जो स्ट्रिंग बनती है वो बना के लेके आए और फिर यहां पे क्या आएगा फिर यहां पे डी आएगा सो बेसिकली इट इज डूइंग इज इट इज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कैरेक्टर बाय करेक्टर तमाम लेटर्स को इस प्लेस पर रखवाना एस आई प्लेस पर रखवाना जो एस SI आई के बाद आते हैं और जो उसके बाद वालों की रीअरेंजमेंट किसने करनी है वो बाबा जी ने करनी है आई विल नॉट वरी अबाउट ये बात समझ आई यस सो प्लीज गो होम जब मैं ये कोड कर लू आप इस कोड को की वीडियो अच्छे से देख लेनी है और बेसिकली क्या करना है इसको बार बार चला कर देखना है ठीक है इसको इसको बाय यानी कि डीबग करके कर कर देखना है किस तरह स्ट्रिंग में वैल्यू बदलती जा रही है मैंने जान बुझ के यहाँ पे स्ट्रिंग रखी है अरे रखता तो वो आपको इतना ज्यादा मजा ना आ रहा था बेसिकली यहाँ पे आपको आउटपुट करने की जरूरत नहीं पड़ती नीचे स्ट्रिंग पर नजर आ रही होती है ठीक है वो नल टर्मिनेटिंग भी होती है तो प्रॉब्लम नहीं होती ठीक है S S के प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस रिटर्न जब तो समझ आ गई दूसरा एक्सीलेंट दूसरा, दूसरा इसलिए यूज हुआ है कि जब ए यहां पे मैंने रख दिया तो ए में तो समझ में आता है कुछ नहीं होता जब मैंने बी को यहां पर रखा है तो बी मैंने यहां रखा और ए मैंने यहां रख दिया अब यहां पर किसने आना है सी को क्या अब सी जब मैं सी को रखूंगा इधर तो ये यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे फिर भी आ जाएगा जी तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी आप क्या करोगे तुम हो रहा है आप क्या तो फिर और ऑर्डर खराब हो जाएगा अगर ये तुम स्वैप नहीं करोगे ना तो ये ऑर्डर खराब हो जाएगा लेकिन आंसर सही आएगा तो फिर भी मेरे ख्याल में आंसर फिर भी ठीक आएगा लेकिन वो ऑर्डर नहीं रहेगा तो ऑर्डर इसलिए कह रहे हैं कि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर रखना चाह रहे हैं

ए दूसरा मतलब पहले ए की सारी परमिटेशन आएंगी और फिर बाद में सी की बिल्कुल 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 लेट्स सी लेट्स सी ये देखो ऐसे चला के देखते हैं ये देखना ऐसे होगा यहां पे मैंने सेमीकोलन डाला एंड लेट्स सी अह एंडल भी लगा देते हैं वहां पे जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर ये देखिए

जी जी मतलब हम ना ही करें क्योंकि आपने एक दफा कहा था कि बाबा जी की काम में दखल अंदाजी ना दो जैसे कर रहे दो हैं दो दो। I mean, तो कर मेरा यही जनरल क्वेश्चन है कि अब ये जितने भी हमने अभी तक ये फंक्शंस किए हैं इनमें हमने बाबा जी और सारा काम किया है हमने एक बेसिक लॉजिक बना के

चले जी अच्छा अब असाइनमेंट में एक और सवाल भी इसके साथ है वो ये कि यहां पर करेक्टर रिपीट नहीं हो रहे थे वट इज हैव टू थिंक बाई यहाँ पर ना करेक्टर रिपीट नहीं हो रहे मतलब ए बी सी है ना ए बी सी की सारी परमिटी ए बी सी एप इसकी परमिटी बताओ

void बल्कि नहीं इसका नाम है वेक्टर ऑफ इंट मर्च इसका नाम है वेक्टर इंट एम परसेंट लेफ्ट एंट एम परसेंट राइट अच्छा मैंने इसका नाम एल और आर क्यू रखा है आपको बाद में में आएगी अच्छा ये कहता क्या है सो so, ये फंक्शन लिखना है इसका नाम है मर्च अच्छा इसका काम क्या है uh, जी L एंड R आर सॉर्टेड अरेज और इसका काम क्या है इसका काम यह है कि दिस फंक्शन शुड रिटर्न दिस फंक्शन बाकी नहीं, मर्ज शुड रिटर्न द सॉर्टेड मर्ज 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 अरे ये बात समझ आगे इन दोनों की सॉटेड मर्जरें जो बनती है वो मुझे हमें रिटर्न करनी है ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ये में, में अगर आपको दिखा आ, यहां पे मैंने मेन बनाया था किधर गया मेन यार गायब क्यों हो गया वो मेन नीचे है नीचे है? ऊपर ऊपर

तो चलो ना मार चुप ये मेन नहीं चलो नहीं नहीं मैंने कुछ इसकी मैंने पहले लिखा था ना सो अभी ये भी सब काम कर रहा मैं चले अच्छा। ये जी मैंने लिखना है अच्छा आप डू यू ऑल एग्री कि जो मर्ज रे होगी वो कितने साइज की होगी ऑल एग्री यस सर इन दोनों का जो साइज होगा उसमें हम ऐड कर देंगे ठीक है

राइट right इंडेक्स कर लेते हैं इसकी वैल्यू जीरो ने जो कहा है जो कि चबल मारी है देखते हैं क्या कहता है वो एल एल आई अगर ये वैल्यू लेस देन है आर आर आई से चबल नहीं मारी बहुत अच्छा काम किया लेकिन ये इनकम्प्लीट है देखते हैं क्या है? वो कहता है अगर ये वैल्यू कम है ना तो एक काम करो कि एम के एम आई इंडेक्स पे जाके रखवा दो एल का एल आई इंडेक्स और एल आई कर दो इंक्रीमेंट और एल्स में क्या करो एल्स में करो कि एम के एम इंडेक्स पे आर का आर इंडेक्स रखवाओ और आर आई प्लस प्लस कर दो ठीक है ये बिल्कुल ठीक है लेकिन इसमें सर अगर एक क्या? इंडेक्स कोई अपनी लिमिट तक पहुंचे साइज तक तो फिर बाकी बस ऐड करते रहे फिर चेक करने की जरूरत नहीं है शाबाश शाबाश शाब 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 शाब। मुझे बताएं यहाँ के चेक क्या होना चाहिए इफ एल डबल इक्वल टू एल साइज इफ एल डबल इक्वल टू एल डॉट साइज हां जी ये मैंने ठीक लिखा है ये मैंने ठीक लिखा है पहले आएगा ये चेक क्या शाबाश ये चेक पहले, पहले ये चेक पहले आएगा ये चेक पहले आएगा क्यों क्योंकि अगर अगर, अगर वो अपनी बाउंड्री से बाहर निकला हुआ है और वहां पे कोई नेगेटिव वैल्यू पड़ी हुई है तो बेसिकली ये पहले ही चल जाएगा तो वो अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना शुरू शुरूगा सबको समझ में आई बात सॉरी ये एल आई नहीं होना चाहिए बल्कि आर आई होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल होगा, होगा। ये आर आई होना चाहिए ठीक है अच्छा लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये जो आर आई है अगर ये जो आ रही है ये बेसिकली ये अगर साइज पे पहुंच गया है लेकिन तुम पहले ये चेक कर रहे हो तो हो सकता है बाहर जो वैल्यू पड़ी हो वो बड़ी हो उसकी वजह से ये लग, चला जाए और वो नीचे वाला चलना शुरू हो जाए चलो जी फारे हो गए सो बेसिकली इंपॉर्टेंट समझ वजह नहीं है साइज हो जाए तो खत्म होगी बात क्या कह रहे हो तुम तो तो दोबारा बताओ सर li आई लेस देन साइज हो और एंड लगा दे दरमियान में यहाँ पे लगाऊ सर एंड लगा दे और साथ कंडीशन लिख देंगे li आई लेस देन साइज हो इसे शुरू में लिख दे yes, sir. इसको शुरू में लिख दें एक्सेलेंट yes, ये हम शुरू में लिख देते हैं अब्बाश अगर ri आई ए सो so,

तो ये तो अरे की बाहर से चेक करना शुरू कर देगा so, ये कंडीशन सिर्फ काफी नहीं है हमें साथ ये भी लगाना चाहिए आर आई इज डबल इक्वल टू आर डॉट साइज ये दोनों कंडीशन हमें लगानी पड़ेंगी कि क्या आर आई जो है वो अपने एंड पे तो नहीं पहुंच गया अगर एंड पे पहुंच गया बेफिक्र होके एम के ये जो एल आई की वैल्यू एल लेफ्ट वाली की जो वैल्यू है वो रखवा दो अगर वो एंड पे नहीं पहुंचा तो फिर चेक करो कि क्या लेफ्ट वाला अपने एंड पे तो नहीं पहुंच गया और उसका साइज चेक करो ये समझ में आई बात हाँ जी तो स अगर ऐसे है तो फिर ये ये काम करेगा अच्छा मुझे बताओ इसकी जरूरत है अब नहीं है सर जरूरत है या नहीं है तुम कह रहे हो जरूरत नहीं है हा? नहीं जरूरत है क्यों क्योंकि इमेजिन करो कि आर आई अभी तक एंड पे नहीं पहुंचा क्या पहुंचा हुआ आर आई हमारा एंड पे नहीं पहुंचा लेकिन एल आई एंड पे पहुंच चुका हुआ hmm. तो फिर ये चल अगर मैंने ये एंड नहीं लगाया तो ये चल पड़ सकता है आउट ऑफ बाउंड जाके वो देखेगा ये आउट ऑफ बाउंड जाके मसला आ सकता है तो बेसिकली हमें ये लगाना चाहिए साथ कि अगर एंड पे पहुंच गया है तो फिर बेसिकली यहां पर आ जाना चाहिए ये बात नहीं इसीलिए ना आई डोंट लाइक इट मुझे जो चीज ज्यादा पसंद है वो ये है कि बेसिकली हर एक को अलग, अलग अलग लिख दो क्या मतलब यानी ये दिस इज परफेक्टली फाइन विल वर्क बट आई पर्सनली बिलीव कि इससे बेहतर तरीका ये है कि आप ये लिखें ये देखो जी ये देखो ये अगर ऐसा है तो ये कर दो जी ये देखे जी एल्स एफ ये देखे जी अगर एल आई डबल इक्वल टू आर डॉट साइज हो गया है तो फिर क्या करो फिर यह काम करो और अगर ऐसा नहीं है दोनों में से कोई भी केस ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारा जेनुअन वाला केस बनता है वो कौन सा वाला केस है के... जी बताएं जी। ये था ना? जो नाइज है इसमें एनआईड लेफ्ट डॉट साइज नहीं होना चाहिए शाबाश लेफ्ट डॉट साइज होना चाहिए लेफ्ट डॉट साइज होना चाहिए और यहां पर क्या होगा अगर ये दोनों नहीं है तो फिर हम यहां पर आएंगे और यहां लगाएंगे क्या कि एल, एल की एल आई जो एंट्री है अब बाउंड्री नहीं हो सकती क्योंकि दोनों चेक चुके हो चुके हमें अगर ये वैल्यू लेस देन है आर की आर आई वैल्यू से तो फिर क्या कर दे जी तो बेसिकली ये कॉपी करें और ये रखवा दे तो ये हमारा मर्ज हो गया और आखिर में हम क्या रिटर्न कर देंगे आखिर में हम रिटर्न कर देंगे

ये दोनों बाउंड्री केसेस बनते हैं और ये उसके अलावा वाला केस बनता है ठीक है और रिटर्न कर देंगे रिटर्न एम कर देंगे ठीक है वो आर डन विद मर्च एंड लुक एट दिस एंड नाउ वी आर अबाउट टू डू मर्च सॉट वेक्टर एंड एम परसेंटेज एंड लुक एट दिस हाय 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 यू नो वट द आइडिया काम करता हूं वो कहता है कि मेरे पास एक अरे मिली हुई है

अच्छा ये देखिए जी इमेजिन द फॉलोइंग क्या यहां पर तुम्हारे पास एक अरे है कितने साइज की लेट्स से एन साइज की एंड हेयर इज द आइडिया द आइडिया इज कि मैं काम करता हूं कि बेसिकली मैं इस अरे को दो हिस्से करता हूं और बेसिकली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज मैं ये वाला प्रॉब्लम उठाऊंगा और ये वाला प्रॉब्लम उठाऊंगा और मैं कहूंगा हाँ भाई बाबा जी प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम आय हाय 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 बाबा जी की कॉल जाएगी जी बाबा जी को कॉल करूंगा भाई लेफ्ट वाली प्लीज सॉल्व कर दें और मैं यहां कहूंगा जी प्लीज बाबा जी एक और काम भी कर दें बाबा जी राइट right भी सॉल्व कर दें और उसके बाद मैं क्या करूंगा उसके बाद मैं कर दूंगा मर्ज क्या एल एंड आर और जो ओरिजिनल अरे आई है इसको रिप्लेस ऑल करने पे अगर अंदाजी ना करो तो दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड मर सॉर्ट और देखे मैं कैसे बताता हूं बनाता कैसे हूं सो लुक एट दिस जी मर्ज मर्ज uh, मैंने लिख दिया हुआ है सो प्लीज रिप्लेस दिस सॉरी मर्ज सॉट एंड इट से फॉलोविंग सबसे पहला क्या काम करता है वो वैक्टर ऑफ एंड लेफ्ट बनाता है और लेफ्ट में वो करता है ए डॉट बिगिन और ए डॉट एंड भेज देता है एंड नहीं सॉरी ए डॉट बिगिन प्लस ए डॉट साइज डिवाइडेड बाई टू ये क्या कर रहा है भोला मिड पे आ रहा है इट कॉपीज फ्रॉम बिगिनिंग टू मिड ठीक है और बाय द वे यहां पर जो हम एड्रेस पास करते तो हैं ये डिवाइड प्लस 1 नहीं होना चाहिए नहीं नहीं ये ना बाय द वे ये जो बाउंड्रीज ये जो राइट right वाली बाउंड्री होती है ना वो इंक्लूड नहीं करता ठीक है इसी तरह मैं एक और बनाता हूं इसका नाम रखता हूं r और इसको शुरू करता हूं मैं इससे इसको मैं शुरू करता हूं इससे और यार क्या मजाक शुरू करता हूं मैं इससे और एंड करता हूं किस पे ए डॉट एंड के ऊपर ठीक है ये दो अरेज मैंने बना ली तो बेसिकली ओरिजिनल अरे ली उसको मैंने दो हिस्सों में पार्टीशन कर दिया ठीक है और... तो बोल रहा है कि लेक्चर क्या अगला लेक्चर शुरू होने वाला कमेंट में कोई बोल हाँ जी वो अरीडार बोल रहे हैं वो कह रहा है कि चले जाए, मैं पांच मिनट मुझे और चाहिए ठीक ठीक है है तो मैं तो है मैं merge, so so, merge, मैं ये बता थैंक यू मच और हूं। merge, sort, करता मर्ज मर्ज सो दिस जी पर दोबारा बाबा जी को कॉल करता हूँ भेज देता हूँ दोबारा से अब इसका काम क्या है मरज हमारा काम था इस पूरी अरे को सॉर्ट करना मैंने बाबा जी को कॉल भेजी और मैंने कहा जी इस हाफ अरे को तो सॉर्ट करें ना ठीक है और जब ये दोनों सॉर्ट हो गई तो बेसिकली अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है है ना मर्ज करता हूं मैं एल को और आर को और मर्ज मुझे क्या रिटर्न करता है मर्ज मुझे क्या रिटर्न करता है वेक्टर एक और वेक्टर रिटर्न करता है मैं इस ओरिजिनल वेक्टर को को Assign कर देता हूं ये वाला अच्छा yes. yes. यहां पर ना मैंने एक रैंडम इनिशियलाइज का फंक्शन बनाया हुआ है. किधर ये साथ साथ function. ये मेरे इंप्लीमेंटेशंस हैं. तो लेट मी me...

वेक्टर लेता है उसको रेंडमली इनिशलाइज कर देता है और हंड्रेड मॉडल ले लेता है आपने रेंज कोई देनी है तो बेसिकली उसके रेंज से मॉडल साइन कर देता है और जो दूसरा है वो क्या करता है वो बेसिकली uh, एक ओ स्ट्रीम का ऑपरेटर से उसको सी आउट करवा देता है जो भी वैक्टर आप कहेंगे उसे सी आउट करवा देगा ठीक है सो लुक एट दिस सो बेसिकली वट आई विल गोइंग बेसिकली वट आई विल गोइंग टू डू नाउ इज आई विल टू मेक ए वैक्टर एंड एम लिखता हूँ सॉरी अरे लिखता हूँ और इसको लेट्स से टेन साइजा साइन कर देता हूँ ठीक है और बेटा यहाँ करता हूँ यहाँ मैं इसको रेंडम इनट कॉल करता हूँ और इसमें ए भेज देता हूँ ठीक है और रेंडम इनट का पता लग गया ना क्या कर रहा है रेंडम इनट बस रेंडम नंबर जनरेट करता है और इसका मॉडल ले, ले लेता है रेंज के साथ और प्लस वन कर देता है ठीक है और ये मैंने ऑपरेटर ओवरलोड किया जो कि सी आउट कराने के लिए तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं सो so बेसिकली यहां मैं रेंडम निशिलाइज करवाने के बाद यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ बिफोर 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 सॉर्टिंग ठीक है सॉर्टिंग ए लिख देता हूँ इक्वल टू और यहां लिख देता हूँ ए ठीक है और यहाँ पर यहां पर कॉल कर देता हूँ मर्ज सॉर्ट मर्ज सॉर्ट और उसमें ए भेज देता हूँ और यहाँ पर दोबारा से कर लेता हूँ बट द ऑनली डिफरेंस इज यहाँ लिखता हूँ आफ्टर सॉर्टिंग ठीक है सरप्राज आपने ऊपर असाइन तो किया नहीं लेफ्ट और राइट बस और को क्या और फंक्शन में जाए जरा एस कंडीशन ही लिखी हुई है ना नहीं नहीं आपने वो भी नहीं साइन की लेफ्ट और राइट को जब वैल्यू हो जाती है है मर्सोर के पास से तो 771 और 772 पे क्या आपने साइन नहीं करना लेफ्ट को लेफ्ट और राइट को राइट right? नहीं नहीं वर्ड फंक्शन है।, है।, so है वो ये ना तो रिटर्न ठीक है? ठीक है? इसी, इसी में को स्टोर करके इसी में रखवा देता है तो बेसिकली जो एल होता, होता है उसमें उसको सॉर्ट करके उसी में रखवा देता है और फिर इन दोनों को मार्च करके फिर जो मर्ज हुई वैल्यू आती है वो हम यहाँ रखवाते हैं ठीक है सही है? So, let's see. So, ये before sorting ये है ये ये और जो हम आफ्टर सॉर्टिंग है वो नहीं कर हैं, ठीक है लेट मी एग्जीक्यूट स्ट्रोग जी बिफोर सॉर्टिंग ये है और आफ्टर सॉर्टिंग ये है, है? ठीक अच्छा आपको याद है one को हमने सॉर्ट करने की कोशिश की थी है ना इसी करिए अगर मैं वन को इसकी, इसका लॉग नहीं आएगा जी मैं अभी वो बताने लगा अच्छा इसकी जो कंप्लेक्सटी है वो मैं बताता हूँ लेकिन इसको अगर देखो तो वन को अगर बात है इस, इस वैक्टर इस को मैं ए को ट्वेंटी

ठीक है और क्योंकि एम वन का डेटा डिस्प्ले करने में बहुत टाइम ले लेगा तो मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर बेसिकली एक टाइम अंडर टी का टी वन बनाता हूँ इसको मैं टाइम जीरो इनिशियलाइज कर देता हूँ और इसी तरह मैं टाइम टू बनाता हूँ इसको भी टाइम जीरो साइन करता हूँ आफ्टर सॉर्टिंग और यहाँ मैं आउटपुट कर देता हूँ सी आउट सॉर्टिंग टुक माइनस टी वन ठीक है अच्छा तो thing is, याद है मैंने, मैंने वन 1 MB का डेटा सॉर्टिंग के थ्रू करने की कोशिश की थी बबल सॉर्ट और वो हमारा एक दिन में भी आंसर नहीं आया था हमने कैलकुलेशन भी की थी इट विल टेक हाउ मैनी डेज 37 डेज निकाला था हमने ऐसी था ना एंड लोकट डेस्क ये कितनी देर में कंप्यूट करता है ठीक है, सो इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग एंड मैं आपको यहां पे दिखाता हूं बिफोर लेट मी टॉक अबाउट दिस स्लाइड अच्छा हो क्या रहा है हो ये रहा है इफ यू लुक एट दिस दिस स्लाइड मैं प्रेजेंटेशन व्यू में ले डालता हूं और यहां पे मैं इसका पेन ऑन कर देता हूं बेसिकली शुरू में आपकी अरे है एन साइज की अग्री अच्छा इस पे अगर तुम टोटल कॉस्ट निकालो तो कितनी निकलती है इस एन पे तुम कॉ बनाओ तो बेसिकली क्या होता है ये एन बाय टू की एक अरे बनाता है और एन बाय टू की एक और अरे बनाता है ये अरे बनाने में कितना टाइम लगता है एन, एन, और फिर जब सॉर्टिंग होके आंसर आ जाता है तो मर्ज करने में कितना टाइम लगता है एन, एन तो डू यू अग्री कि इस लेयर पे टोटल काम कितना होता है एन, एन, एन। इधर आ जाओ अब ये दो लेयर्स में डिवाइड करेगा यानी ये n/4 की एक अरे बनाएगा और ये n/4 की एक अरे बनाएगा और ये भी n/4 की अरे बनाएगा और ये भी n/4 की अरे बनाएगा ले इस लेयर पे अगर तुम टोटल साइज देखो तो n/4 की चार एंट्रीज है तो दिस इज अगेन n तो ये क्रिएशन की भी कॉस्ट n है और मर्जिंग की कॉस्ट भी n है दूजा 그리 तो yes. इस लेयर पे टोटल कॉस्ट जो होगी वो दोबारा से एन होगी और इसी तरह अगली लेयर पे बेसिकली आठ एंट्री बनती है एन बाइ एट साइज की उनको क्रिएट करने में एन बाइ एट प्लस एन बाइ एट प्लस एन बाइ एट टोटल कितनी आठ एंट्रीज है तो एन टाइम लग गया और मर्ज करने में भी एन टाइम लग गया तो बेसिकली यहां पर प्रॉब्लम था एन साइज का है ना फिर हो गया प्रॉब्लम एन बाय टू साइज का फिर प्रॉब्लम हो गया एन बाय फोर साइज का माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये रिकर्जन कितनी डीप जाएगी लॉग एन है ना ये लॉग एन नीचे जाएगी लॉग बेस टू एन बिकॉज द फैक्टर इज टू द डिवाइडिंग फैक्टर इज टू और हर लेयर पे जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, N. N है. द टोटल टाइम कंप्लेक्सी दॉग इन एन लॉग इन एंड लेट बी शो यू द सरप्राइज वन एम बी का डेटा बबल शॉर्ट को शॉर्ट करने में हमने निकाला था थर्टी सेवन डेज लगेंगे आंसर कितनी देर लगी हैबाउट वट अ मार्वलस आइडिया फास्टेस्ट नोन एल्गोरिथम पर सर एक चीज है जी सर दूसरे एलगोरिथम में हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करते इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते बिल्कुल मर्ड शॉर्ट में एक्स्ट्रा स्पेस यूज होती है